खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के बीच यानी केंद्र सरकार के बीच डील हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने को लेकर ये डील हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम को सीबीआई का डर दिखाकर ये डील हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि मुलायम और केंद्र सरकार के बीच जो समझौता हुआ है फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने को लेकर, वो मुलायम सिंह यादव को सीबीआई के डर को दिखाते हुए हुआ है। तो खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर क्या सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है, एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा होता है सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर। और साथ ही मुलायम सिंह यादव और केंद्र सरकार के बीच फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने को लेकर जो डील हुई है, उस डील के पीछे वजह क्या है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने को लेकर हुई इस डील के पीछे मुलायम सिंह यादव को दिखाया गया सीबीआई का डर कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने को लेकर केंद्र सरकार और मुलायम सिंह यादव के बीच डील हुई है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी हैं और सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने को लेकर इस मामले में मुलायम सिंह यादव लगातार फंसते चले आ रहे हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई का डर दिखाकर ही फूड सिक्योरिटी बिल पास कराने पर डील हुई है मुलायम और केंद्र सरकार के बीच। और इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। रजत, आपसे जानना चाहेंगे फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने के लिए क्या केंद्र सरकार और मुलायम सिंह यादव के बीच में डील हुई है और क्या सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पहले से जो स्टैंड था समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह लगातार इस बात को कह रहे थे कि फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो फार्मर्स के हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है, लगातार उसका विरोध कर रहे थे। और ये बात ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही थी कि पार्लियामेंट में जब इस पर बहस होगी तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। उससे अगर थोड़ा सा क्रोनोलॉजी आपको बताना चाहूं, अब से कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। अब से तीन दिन पहले अखिलेश यादव प्लानिंग कमीशन आए थे, जहां उन्हें एक लंबा चौड़ा बजट मिला था उत्तर प्रदेश के लिए और काफी तारीफ की थी मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने। लेकिन उस समय भी जब अखिलेश से पूछा गया कि क्या आप फूड सिक्योरिटी बिल का सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन कल मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में ये बात कही है कि वो फूड सिक्योरिटी बिल का पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे उस पर बहस होने के बाद। तो आप कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं एक डील हुई है कांग्रेस के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में कि जो आय से अधिक का मुकदमा मुलायम सिंह यादव के ऊपर चल रहा है उसमें सीबीआई जल्द से जल्द क्लोजर रिपोर्ट लगाएगी। बहुत जो एक कह सकते हैं आप हार्श एक्शन सीबीआई ले सकती है वो नहीं लेगी, केस को और लचीला कर दिया जाएगा और इसके बदले में समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी फूड सिक्योरिटी बिल को। तो रजत, ये कहा जा सकता है कि सीबीआई का एक बार फिर से दुरुपयोग होता नजर आएगा और समाजवादी पार्टी का के चाल चरित्र में कितना अंतर है इसके बाद ये भी साफ होगा। देखिए, हमेशा जब भी आप बड़े बड़े मुद्दे ले लीजिए, जहां जहां सरकार घिरी है, मुलायम सिंह यादव ने सरकार को बचाया है, अभयदान तक दिलवाया है, तो आप कह सकते हैं कि हर वो मौका जिसमें सरकार फंसती है मुलायम सिंह साथ रहते हैं। मुलायम सिंह के साथ कमजोरी ये है क्योंकि उनके ऊपर उनके परिवार वालों के ऊपर सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं जिससे राहत चाहते हैं मुलायम सिंह यादव। जी बिल्कुल रचा, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मुलायम को सीबीआई का डर दिखाते हुए फूड सिक्योरिटी बिल पर उनका समर्थन हासिल किया गया है। एक बार